आइए सक्सेना, ये मेरी सेक्रेटरी है मानी, और ये जनरल मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा मिस्टर सक्सेना। आइए। ये है मेरे दामाद मिस्टर अमर कुमार। हेलो मिस्टर सक्सेना। ये है मेरी बेटी आशा। प्लीज कम। तशरीफ रखिए सर। अमर बाबू, आपके ससुर जी बता रहे थे कि आपके पिताजी अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ। तभी ऐसी काबिलियत और कामयाबी खानदानी खून में ही होती है। शायद ई पर्स बाहर पड़ा हुआ था, आपका तो नहीं? हाँ भाई, मेरा ही है। अमर बाबू, किस्मत वालों को ऐसे नौकर मिलते हैं। अगर मेरा वॉचमैन होता ना तो अब तक हड़प कर गया होता। अरे वॉचमैन, ये लो 100 रुपया, तुम्हारा इनाम। अरे भाई ले लो, मुसीबत में काम आएंगे। काफी खुददार है आपका नौकर। पापा खाना तैयार है। चलिए सक्सेना साहब, खाना खा लेते हैं, बाकी बातें भी वहीं हो जाएंगी। चलिए चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी। अरे खाना परोसो सबको, चलो। बस भाई, खाना वाकई लाजवाब बना है। किसने बनाया? इसने। अच्छा। अब वाकई किस्मत वाले, आपको इतनी अच्छी खाना पकाने वाली मिल गई। भाई हमारे यहां तो हर महीने 3-4 नौकर बदली होते हैं। इतना ढूंढा अभी तक एक कुक अच्छा नहीं मिला। आपकी ही क्या है, हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में भी यही मुसीबत है। तो सेठ जी, आपको एक तकलीफ दूंगा। हुक्म कीजिए सक्सेना साहब। भाई संडे को मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमारे यहाँ कुक नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो आप अपनी खाना पकाने वाले को भेज देंगे, मैं उसे खर्चा पानी दे दूंगा। जरूर भेज देंगे। क्यों अमर बेटे? हाँ भेज देंगे। थैंक यू। आप लोग किसको विजन की बात करते हैं? ये है ना खाना पकाने वाली, ये हमारी बीवी है साहब। तो क्या हुआ, ये नहीं आ सकती खाना पकाने? माय मैं ई का बाप हूं। गेट उठ खोलन के लिए हमें भी बुला लीजिए हुजूर। मिस्टर अमर, क्या ये सच है? हाँ सर। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, मुझे उस घर में खाना खाने में शर्म आती है जहां माँ बाप के साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाए, और जहां बेटे को यह कहने में शर्म आए कि उसका बाप एक वॉचमैन है। मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। सक्सेना साहब, तो आपको बहुत खुशी हुई होगी ना? हाँ, अरे आपने पेट की सारी गंदगी मुंह से निकालकर बाहर फेंक दी आपने? नहीं, हमने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल नहीं फेंकी मुन्ना, बल्कि 26 साल पहले तो हर मां ने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल फेंकी थी, और वो गंदगी को हमने नाम दिया था मुन्ना। और उसका अंजाम ही है कि वो आज इस हालत में खड़ी है। देख बाबूजी, बाबूजी। हाँ, अरे वाह, धन्य हुई गए हम। गुस्सा मा सही, तोरे मुंह से बाबूजी निकला तो ठीक। कैसे मां बाप हैं आप लोग जो अपनी संतान की भलाई नहीं देख सकते? जानते हैं, अगर सक्सेना साहब का ये लंच कामयाब हो गया होता तो अपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर गए होते,
और उस 10 करोड़ से तुम्हारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया होता? तुम्हारे जैसे पाप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो अपने बेटे की कामयाबी और खुशी ना महसूस कर सकते हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जगदम्बा प्रसाद जी, बिल्कुल सही बोले हैं आप। अगर आपका बेटा होता और वो बेटे ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती जैसे ये नालायक बेटे ने हमारे साथ की है, तब आपको बाप बेटी की इंसानियत का पता चलता। क्यों, क्या खराबी इसमें? क्या नहीं किया इसने तुम लोगों के लिए? हां, तुम लोगों को यहां इस घर में लाया, राजा महाराजों का सम्मान दिया और क्या? राजे महाराजा को इधर लाए जरूर गए थे, लेकिन बना दिए गए वॉचमैन और खाना पकाने वाली। हाँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो क्या ये झूठ है? क्या वॉचमैन नहीं थे? मुल्ला, लक्ष्मी, हाँ, ये वॉचमैन है। तुझे पता है वॉचमैन कहाँ होता है? भगवान भी एक वॉचमैन है, जो ऊपर बैठा सबके गुनाह पे निगाह रखता है और कौन आया कौन गया सबका हिसाब रखते हैं और आज दिन हमें सुखी रखने की कोशिश करता है। तेरे बाबूजी भी भगवान है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? लक्ष्मी, अरे ये तुम्हें कहा हो गया है? ये हम कहा देख रहे हैं? हाँ, जब कभी हमें गुस्सा आता रहा तुम हमारा कंधा दबा दबा कर हमारे गुस्से को शांत करने का इशारा करते रहे, और आज खुद काबू से बाहर हुई गई। हाँ, तुम्हारा गुस्सा काबू में करते करते तो माता जी यहां तक पहुंच गई। इसने जब भी तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इनका सारी गलती छिपा कर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, ऐसे औलाद को जन्म देने के लिए तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। लक्ष्मी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और ये नालायक मेरे कोख से पैदा हुआ तो पैदा होते मैं इनका गला दबा दूंगी। लक्ष्मी, मेरे जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, चलो। माजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर पत्नी पति से अलग हो जाए तो सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठाती है। लोगों को कहने का मौका ना दो कि हम लोगों ने तुम्हें अपने पति से अलग कर दिया। लक्ष्मी, 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 सुखी रहो।